हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। सो इसमें क्या करना है, हमें स्टोरी सम्स है, तो देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट इतने वोट्स बाय मोर देन कैंडिडेट बी। इफ़ कैंडिडेट बी गॉट 4,345,400 वोट्स, हाउ मैनी वोट्स डिड कैंडिडेट ए गॉट। उन्होंने बोला गया है कि जो कैंडिडेट ए है उसने कितने वोट इतने ज़्यादा पाए, किससे, बी से। मतलब जितने बी के वोट हैं वोट्स हैं तो उतने वोट तो ए के पास है, लेकिन उसके पास कितने ज़्यादा हैं ये आपको, ये इतने ज़्यादा है तो बताना है टोटल वोट्स, हाउ मैनी वोट्स डिड कैंडिडेट ए गॉट। तो आपको बताना है ए ने कितने टोटल वोट पाए। देखो आप क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो तो समझ रहे हो कि बी ने, देखो जो ए है ए के पास इतने वोट ज़्यादा है बी से, मतलब इतने वोट हैं तो हमें क्या करना है, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। देखो अब कैसे करेंगे, आपको बस थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है इसकी लैंग्वेज, कि देखो उसमें बोला गया था बी से ज़्यादा है, मतलब बी के, तो देखो हम देख रहे हैं बी के कितने वोट थे, ये थे 4,345,400 वोट थे। अब कितने ज़्यादा थे इसके पास, ये जो आपको नंबर दिया गया इतने ज़्यादा थे, तो हमने इन नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड कैसे, अभी तक करते, और ज़ीरो में फाइव ऐड करोगे कितना हो जाएगा, फाइव। ज़ीरो में सिक्स ऐड करोगे कितना हो जाएगा, सिक्स। फोर और फोर कितना होता है, एट। और सिक्स और फाइव कितना होता है, इलेवन। कैरी वन। फोर और थ्री कितना होता है, सेवन। और कैरी वन, एट। और थ्री टू फाइव, और फोर का फोर। तो आपको आपको समझना क्या था, एडिशन, आपको ऐड ऐड करना कुछ टफ नहीं, आपको समझना है कि लैंग्वेज में करना क्या है। यदि इस टाइम में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो आपको सिर्फ आपको बात समझनी है कि करना क्या है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से दो बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब है सेकेंड क्वेश्चन, ये आपको नंबर दिए गए हैं, बॉयज़ के नंबर दिए गए हैं, और 1,842,725। ये आपको क्या बोला गया, गर्ल्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन है जिसमें लड़कों की संख्या कितनी है, देखो ये दी गई है बॉयज़ की संख्या, ये दी गई है गर्ल्स की संख्या। फिर क्या बोला गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। उन्होंने बोला है आप बताइए, ये लड़कों की संख्या इतने इतने लड़के परसेंट थे, इतनी लड़कियां थी, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल कितने बच्चे, टोटल कितने बच्चे थे जो एग्जामिनेशन हॉल में थे, आप बोल सकते हो एग्जाम दे रहे होंगे। तो देखो अब उन्होंने क्या बोला, टोटल कितने बच्चे होंगे, तो देखो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ बॉयज अपीयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, इतने बॉयज लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन यानी कि लड़कियों की संख्या। फिर बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टोटल कितने थे पूरे बच्चे, हमें यही बताना है। देखो गर्ल्स की संख्या उन्होंने अलग दी है, बॉयज़ की अलग दी है, अब हमें इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल कितने बच्चे थे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। देखो सबसे पहले 2,751,650 था, लिख दिया। जो आप सेकंड वाला नंबर लिखोगे उसे कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, पीछे से। कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, पीछे से, ये आपको ध्यान रखनी है। ये बात, ये ऐसा नहीं आप आगे से वन के नीचे ए, यहाँ से 1,8 से स्टार्ट करो, नहीं। स्टार्ट कहाँ से करोगी, तो आप सेकंड वाले जो नंबर लिखते हो ऐड करने के लिए कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, पीछे से, मतलब जीरो के नीचे से। ज़ीरो के नीचे क्या लिखा जाएगा, 5,272,481। अब इनको क्या कर देना है, ऐड। ज़ीरो में फाइव ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, फाइव। फाइव और टू कितना होता है, सेवन। और सिक्स और सेवन कितना होता है, 13। कैरी वन, 2,013 कैरी वन। इस टाइप से आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना कुछ टफ नहीं, आपको समझना क्या है, लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज में बोला क्या गया है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिस्टर टूमर बॉट अ हाउस। एक कोई मिस्टर है, उन्होंने घर खरीदा, वो भी कितने रुपए का, इतने रुपए का, एंड एक कंप्यूटर, और साथ में क्या खरीदा, एक कंप्यूटर खरीदा। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। अब आप देख रहे हो उन्होंने एक घर खरीदने के लिए इतने पैसे दिए, और एक कंप्यूटर खरीदने के लिए इतने पैसे दिए, ये देखो ये लिखे हुए हैं पैसे, ठीक है। तो आपको बताना है उन्होंने टोटल कितने पैसे खर्च किए, मतलब उन्होंने दो चीज़ें खरीदी तो उन्होंने पैसे तो दिए हैं, तो कितने उन्होंने बोला है टोटल कितने दिए, अलग अलग आपको अलग अलग अमाउंट दिया गया है, आपको टोटल बताना है उन्होंने टोटल कितना खर्च किया। तब देखो क्या करेंगे, अगर आप क्वेश्चन की हिंदी निकालते हो लैंग्वेज की,
तब आप देख रहे हो टोटल आए, टोटल का मतलब क्या कर देना है आपको ऐड। जब आप हिंदी निकालोगे आप समझोगे क्वेश्चन को, आपको लगे कि टोटल पूछा गया है तो टोटल में क्या कर देना है ऐड कर देना है। तब देखो कैसे कैसे करेंगे। देखो हमने सबसे पहले उन्होंने 3425600 का घर खरीदा था ये लिख दिया, फिर कितने का, फिर उन्होंने कंप्यूटर खरीदा था 46450 का, तो देखो मैंने ये लिख दिया। मैंने बोला था कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, पीछे से। कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, पीछे से, ना कि आगे से मत कर देना, 3-4 के नीचे 4-6 आ जाए आपका। कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, पीछे से, ये रहा यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस टाइप से नोट कर लिया, फिर 0 को 0 में ऐड किया 0, 5 0 में 5 को ऐड किया कितना आ गया 5, 6 4 कितना होता है 10, कैरी 1, और 6 1 कैरी 6 और 6 कितना हो गया 12, और 4 2 6 कैरी 1 17, और 4 3। इस टाइप से आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन 2012 आ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इतने बल्ब को क्या करता है, वो बनाता है आप बोल सकते हो, ठीक है। मोर देन दैट इन दिस ईयर 2011, इफ द नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 2011 वाज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब इन 2012। उन्होंने जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th में बोला गया है 2012 में उन्होंने कितने बल्ब बनाए, इतने ज़्यादा बनाए। तो आपको ये बल्ब की नंबर दिए गए, मोर देन मतलब ज़्यादा बनाए, कब से, जितने उन्होंने 2011 में बल्ब बनाए हुए थे उससे इतने ज़्यादा बनाए। कितने ज़्यादा बनाए, 4-2-5-6-0-0 बल्ब क्या बनाए, ज़्यादा बनाए। तो हमें पहले उन्होंने, फिर आगे क्या बोला गया है, 2011 में उन्होंने कितने बल्ब बनाए थे, इतने बनाए थे, और जो 2012 में उन्होंने इतने ज़्यादा बनाए, मतलब हमें बताना है कि 2012 में उन्होंने टोटल कितने, देखो हमने हिंदी निकाल रहा है समझ रहा है, तो क्या निकाल रहा है, टोटल उन्होंने कितने बल्ब बनाए होंगे। तब देखो क्या करेंगे, टोटल बल्ब, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, ऐड करना है। क्यों, हमें क्या, हमने बोला था जब हम समझते हैं क्वेश्चन को हिंदी में क्या निकली, टोटल, टोटल का मतलब क्या होता है, पूरा, बहुत सारा, टोटल मतलब ऐड कर देना, सम कर देना, जोड़ देना। तब देखो पहले हमने क्या लिखा, जैसे पहले उन्होंने 2011 में इतने बल्ब बनाए थे, तो आप इसको पहले भी लिख सकते हो या इसको नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप बोलो 6-8-4-6-3-2-8-5 को आप पहले लिखना चाहो तो पहले लिख सकते हो, फिर उसके बाद 4-2-5-6-0-0 लिख सकते हो। अब हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना, ऐड। तो हमने ऐड किया 0-5 कितना होता है 5। इसको नॉर्मली अभी तक हम ऐड करते आ रहे हैं, सेम उसी टाइप से आपको ऐड कर देना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, दी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज, दो नंबरों का अंतर कितना है, ये 2-4-5-0-1-7-2 है। फिर बोला गया है फाइंड द बिगर नंबर इफ द इस, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है मतलब बताना है, निकालना है क्या बिगर नंबर की, कौन सा नंबर बड़ा होगा। इफ द स्मॉलर नंबर इज, यदि आपको छोटा नंबर दे दिया गया है और क्या दे दिया गया है आपको, डिफरेंस। तो आप देखो इसको कैसे करोगे, जैसे कि मान लीजिए a माइनस बी का डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, ये c है, ठीक है। a माइनस बी का डिफरेंस कितना है, c है। हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें a की वैल्यू दी गई है, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है और c की वैल्यू दी गई है। तो अब देखो इसको कैसा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th, तो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। यदि आपको कैसे समझना है इस क्वेश्चन को, दी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इतना है, दी स्मॉलेस्ट नंबर इज 5-1-5-2-8-9-7-8 है, तो बताना है बड़ा नंबर क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसका बड़ा नंबर, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे आपका क्या निकल आएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अब देखो ऐड कैसे करना है, 8 और 2 कितना होता है 10, कैरी 1, 7 और 7 14 और कैरी 1 15, 9 और 1 10, कैरी 1 11 और कैरी 1 यहाँ भी आ रही है। आपको पता है जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करते हो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं नहीं पड़ता है ना, हाँ। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। इस टाइप से आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट।